गणपति बप्पा मोरया। हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कोमल। स्वागत है आपका पीएनएल 24 पर और आप देख रहे हैं अमृत वाणी। गणेश चतुर्थी एक हिंदू धार्मिक त्यौहार है जो भगवान गणेश के पूजा और आराधना के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर जगह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये भगवान गणेश के आगमन के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, जिसे गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा बस पधारने वाले हैं, विघ्नहर्ता घरों में आने वाले हैं। सिद्धि विनायक मंदिर हो या दगड़ूसेठ मंदिर, हर जगह हर्ष और उल्लास है। गणेश चतुर्थी की सबसे ज्यादा रौनक महाराष्ट्र में देखी जा रही है और मुंबई में भी अलग अलग थीम्स पर मंडप सजाए जा रहे हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियों को शिल्पकार तैयार करने में दिन रात लगे हुए हैं। अलग अलग तरह की बप्पा की मूर्तियां बनाई जा चुकी हैं और विघ्नहर्ता की मूर्तियों को बाजारों में सजाया जा चुका है। हर कोई गणेश को अपने घर लाने के लिए आतुर है, जिससे उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। गणेश जी की पूजा मंगलकारी मानी जाती है। इस दिन गणपति बप्पा को अपने घर लाया जाता है और विधिवत उपासना की जाती है। इस दिन गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा को अपने घर लाया जाता है और विधिवत उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से उनके भक्तों को सुख समृद्धि बल और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आम आदमी से लेकर फिल्मी सितारे गणपति की एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। गणेश चतुर्थी पर बप्पा की मूर्ति को घर में या पंडाल में लाया जाता है। इसके बाद यह पर्व अनंत चतुर्थी को संपन्न होता है। गणेश विसर्जन पर भक्त गणपति बप्पा से फिर से आने की कामना करते हैं। आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप देखते रहिए पीएनएल 24।